ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल के राम राम। 28वां दिन भाई खेड़ी जालबुक तहसील में मुआवजे की मांग लगातार और भंडारे की जो आप बात करें डेली अलग अलग गामा में तो अलग अलग तरीका भंडारा है वो भाई क्या जलेबी का हलवा का फल फ्रूट का खुजलियाँ का पकौड़े ब्रेड का। लेकिन आज पहली बार इस धरने पर लाडू पहुंचे हैं देसी घी के हैं शायद और भाई काला है गामड़ा गाम तय आए हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। काले का पिपियां के तरवाए हैं का एक मन है भाई दो क्विंटल है पांच मन लाडू हैं सारे। अच्छा देसी घी ला रहेगा प्योर लक्ष्य का। अच्छा हाँ चल जाएगा काम। हाँ देख लीजिए चल जाएगा। मतलब गिनती भी है कुछ अंतर। हाँ लगभग 4000 लड्डू हैं। और भी आऊंगे क्या? हाँ और भी आऊंगे कसरा की तो और भी आ जाएंगे। अच्छा अच्छा हाँ 4000 लड्डू तो काले केक हो गए भाई साहब। 28 दिन तक तहसील बंद है भाई। 28 दिन तक तहसील बंद है बिल्कुल तंग हो लिए। हाँ सरकार तो यह अपील करा भाई 28 दिन प्रजातंत्र नाम की तो कोई चीज रही को नहीं रहेगी इसमें। 28 दिन तक किसान तहसील का ताला लाए बैठे हैं और फिर भी मैंने कोई किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही भाई। यह अपील करा भाई जल्दी जल्दी किसान मुआवजा दे। जो बुढ़े भी तंग हो लिए ऊपर तो भी घाम पड़ा है तरल तो भी जमीन ताती है सीजन का भी टाइम है वैसे भी फिर भी हमारा लगभग धरना की संख्या तो कम नहीं हुई है। सीजन भी वैसे वो लोग काम भी करें अपना घर पर और यहाँ पर भी आने की फुल संख्या में यहाँ पर आने लग रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई। और देसी घी के लाड्डू हैं ये देखो यानी 5 मन 2 क्विंटल लाड्डू बनवाए हैं। ये देख लो भाई का दिन तो मुँह में पानी आ गया होगा जरूर। और जिसकी ड्यूटी ला दी है छोटे छोटे बच्चे प्लेट में धर धर के दो दो लड्डू और शुरू कर दिए हैं। और 28वां दिन है आज धरना का आपने बता भी दें। और भीड़ की जो आप बात करा तो पहले दिन तो भीड़ लगातार बढ़ती जान लग रही है। और ये अनशनकारी सारे जो डेली 7-8 किसान अनशन पर बैठे हैं वो भी बैठे हैं। जो मातृशक्ति की आप बात करा महिलाओं की आप बात करा तो आप देखोगे बड़ी बड़ी उम्र की मरीजों चाची ताई हैं वो भी छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी गुड़िया सारे के सारे धरना पर डेली आने लग रहे हैं। जिसमें 80-80 साल की भी हमारी दादी ताई हैं जो लगातार पहुँचने लग रही हैं जी आप देखोगे। और पूरी व्यवस्था भी करी गई है चाय पे चाय पानी की बात करा तो पूरी व्यवस्था भी करी गई है। पीछे आप देखो भी गए स्पेशल ड्यूटी लगा दी जावे है चाय पिलाने का भी काम करे हैं पानी पिलाने का भी काम करे हैं और साथ में देसी लड्डुओं का आज भंडारा भी चलने लग रहा है। हर चीज़ देसी घी की बनाए जावे चाहे हलवा की बात हो चाहे लड्डुओं की बात हो आज पहली बार लड्डू आए हैं चाहे जलेबियाँ की बात हो देसी घी का भंडारा। और जिसकी ड्यूटी लगा दी गई है देखो भाई छोटे छोटे बच्चे शुरू हो गए हैं। और थोड़ा अपने बताओ अभी के 28वां दिन मुआवजे की किसानों की मांग ही फिलहाल 3 मांग है। दूसरी अब किसानों के ऊपर जितने मुकदमे दर्ज हुए हैं और वो मुकदमे खारिज करे जावे और तस्वीर बिल्कुल स्टेज के पीछे तो मैं तस्वीर दिखाने लग रहा हूँ। पीड़ की जो बात करी जाओ तो डेली हजारों की संख्या में किसान लगातार पहुंचने लग रहे हैं। बात कर ली और अपनी बात भी तय होगी अपनी बात आगे। महाराज जी आदेश जी ये महाराज जी लकड़ाई ना जो खप्पड़ डेरे के मनते हैं तो महाराज जी आपके कुछ कहना चाहोगे एक साधुओं का भी समर्थन मिलने लग रहा है क्या कहना चाहोगे जो किसानों पर बैठे हैं? वाह माधो किसाना का यह कहना चाहूंगा या वह सरकार वोट देकर बनाई थी ये भी आज सरकार इसी है इन्हें मत वाले सेवकों की सुन नहीं रही भाई जो सब मुआवजा है ये सरकार इसी वह है जो बांटने का काम करने लग रही है किसी ने देवे है किसी ने नाटा है या हमारे में फूट गेरन का भी काम कर रही है। इतनी गंदी सरकार मैंने नहीं देखी वह कभी जीवन में जो भी देखा मैंने वह सपष्ट देखा है इसी गंदी सरकार तो कदे देखने में मिली ही ना। बस उम्र कितनी होगी महाराज मेरी 62 का जन्म है मेरे 60 साल की उम्र होगी मेरी। आप खेती करो वह खेती खूब करी है हल भी करो डिब्बे भी करने लग रहे हैं खेती रोजे का काम है अपना हम देखने लग रहे हैं। आप धरना पर समर्थन भी दो साथ के साथ सहयोग भी दो पीछा का सहयोग इस तरीके का आपके समर्थन आप नहीं उदय है इन भक्तों का खाइए ये देनिया हमने और ये जो नहीं रहेंगे इनके लोग नहीं रहे तो हमारे लोग कौन देनिया है जो इनके पास है जो ही अपना एक मुट्ठी काट गए हमने दिया है और उसे में वापिस हमें एक परमार्थ में बढ़िया जगह लाना
चाकड़ियां समझो बढ़िया जगह देना, हम परमार्थ में लाए वो पीसा खराब को नहीं कराया करते। आपने कह लगे किसान जो मुआवजा मांगन लग रहे इनका हक है या नहीं? वह किसान का पूरा हक है, जो जिसने मिला है नहीं सवे ने मिलना चाहिए। मैं यही बात कहूँ सरकारी सी है फूट गिरन का काम करा है, या हमारे अंदर में फूट गिरन लग रही है, यह काम होना नहीं चाहिए। इस सरकार ने अगली बार सारे भाई एकता होकर जिसने मिल जाए नहीं भी मिले भाइयों के गले रहना है, क्यों भाइयों के बिगड़ कुछ ही नहीं। ये सरकार तो आंधी रहे जानती रहे, अपना भाईचारा नहीं बिगाड़ना चाहिए। यह कहना चाहिए ये सरकार ने मुआवजा दे देना चाहिए, नहीं आगे ना इसका पत्ता साफ होगा भाई। चलो बहुत बढ़िया, तो महाराज जी की बात आपने सुन भी लिया भाई, इनने भी अपने विचार रखे हैं और नारे भी लगने लग रहे आप देख ही लोगे। किसान एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, बीजेपी जेजेपी मुर्दाबाद, दुष्यंत खट्टर मुर्दाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।